मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 1970 से लेकर 1999 ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का परचम मुंबई में लहराता था। हालांकि दाऊद इब्राहिम के नाम से जहां हर कोई थरथर कांपा करता था, तो वही एक हसीना ऐसी भी थी जो दाऊद के प्यार में पड़ गई। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की हसीना थी? जी नहीं, बल्कि दाऊद का जो इस बार दिल आया था वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान एक्ट्रेस अनीता अयूब पर आया था। जी हाँ, आपको बता दें, अनीता अयूब की अगर बात करें तो दाऊद इब्राहिम को कभी वो भी डेट करती हुई नजर आई थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो यूं तो बॉलीवुड से दाऊद का खास नाता रहा। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक्ट्रेसेस जिनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ अलग अलग समय पर जोड़ा गया, लेकिन जिसका भी नाम दाऊद के साथ जुड़ा उसका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अनीता अयूब की अगर बात करें तो पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब का नाम भी कुछ ऐसे ही समय में जुड़ा था यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ। दाऊद इब्राहिम को डेट करते हुए अनीता अयूब को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो अनीता अयूब के साथ कैसा था रिश्ता दाऊद इब्राहिम का, देखिए इस खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के शुरुआती दौर से ही हमेशा से जो है वो गैंगस्टर का ही बोलबाला रहा है, जिसमें से जो है वो फेमस जो है वो दाऊद की बात की जा रही है, यानी कि दाऊद के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यानी कि यहाँ पे गैंगस्टर में से खून खराबी को लेकर के यहाँ तक की सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, जिसकी हम बात करेंगे अनीता अयूब के, जहाँ अनीता अयूब और दाऊद इन दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा रहे थे, जहाँ ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सामने नजर आए थे। लेकिन खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अनीता को दाऊद काफी ज्यादा पसंद थे, तो यही हाल था यहाँ पे दाऊद का भी, जहाँ दाऊद को भी अनीता काफी ज्यादा पसंद थे। लेकिन कुछ चीजों में यहाँ पर जो है वो अनीता को लेकर के यहाँ पे मसले जो है वो खराब से भी हो गए थे। अब ऐसे में जो जावेद सिद्दीकी हैं, उन्होंने यहाँ पे अनीता को यहाँ पे फिल्म कास्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे दाऊद जो है यहाँ पे गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने यहाँ पे जो है वो जान से मारने तक की जो है वो धमकी दे दी थी। लेकिन धमकी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ उन्हें मरवा भी दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनीता अयूब के लिए। तो ये तो था यहाँ पे प्यार भरा किस्सा यहाँ पे अनीता और यहाँ पे दाऊद को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम की नजदीकियां 1995 के समय में बढ़ी थी, और जैसे ही अनीता अयूब का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ गया तो अनीता को कई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन्हीं में से फेमस डायरेक्टर थे यहाँ पर जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने सीधे सीधे अनीता अयूब को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दावा तो ये भी किया जाता है कि इस बात से इतने ज्यादा नाराज हो गए दाऊद इब्राहिम कि उन्होंने जावेद सिद्दीकी पर जानलेवा हमला तक करवा दिया। अब जावेद सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ उसमें क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम का हाथ था या नहीं, ये तो कभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये बात सच है कि जब अनीता पर दाऊद का दिल आया था तो उस दौरान जो भी अनीता को परेशान करता था दाऊद उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। लेकिन अनीता अयूब भी उन तमाम एक्ट्रेसेस की तरह कुछ समय तक ही दाऊद के साथ रह पाई, और उसके बाद अनीता अयूब भी गुमनामी की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गई। पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब की बात करें तो इस वक्त वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी तो बिता रहे हैं, लेकिन अगर दाऊद के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा होता तो शायद कई बड़ी फिल्मों में अनीता अयूब काम कर सकती थी, जिसके लिए उन्हें आज भी अफसोस होता है कि अगर दाऊद के साथ उन्होंने दिल नहीं लगाया होता तो शायद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करती। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।